26 जनवरी आती रहेगी, सबको रहेगा या तिरंगा। सैनिक संघ बक्सर ने मनाया 75वां गणतंत्र दिवस। नमस्कार, मैं हूं विश्वंभर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। 26 जनवरी को सैनिक संघ बक्सर ने 75वां गणतंत्र दिवस समारोह संघ के निर्देशक डॉक्टर मेजर पीके पांडे और जिला अध्यक्ष सुबेदार हरेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में मां मुंडेश्वरी अस्पताल बक्सर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंच का संचालन जिला उपाध्यक्ष सुबेदार विद्यासागर चौबे ने किया। विशिष्ट अतिथि 30 बिहार बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रंजीत रंजन, मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल रामसागर मिश्रा, सुबेदार मेजर एस के साहू, डॉक्टर बी के सी, डॉक्टर ए के सी, डॉक्टर दिलशाद आलम, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी, साबित रोहतासवी, राजनेता संजय सिंह, रेड क्रॉस सचिव डॉक्टर श्रवण तिवारी सहित कई लोग वहां उपस्थित थे। वही मेजर पीके पांडे के द्वारा समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत और अभिवादन किया गया। इनके जो अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, इसके लिए मैं पूरे सैनिक संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इनकी जो कार्य है वो काबिले तारीफ है, जिसमें कि हमारे एनसीसी बटालियन के सीओ साहब, बहुत सारे गणमान्य अतिथिगण आया, जिसमें कि रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर वी के सिंह, डॉक्टर ए के सिंह, और सामाजिक कार्य करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डॉक्टर दिलशाद आलम, ये महत्वपूर्ण जो हमारे जो अतिथिगण थे वो आज हम यहाँ पे उपस्थित होकर जो हमारे जो सैनिक संघ का कार्यक्रम है उस पर चार चांद लगा दिए। इसके लिए मैं सैनिक संघ बक्सर और तमाम उपस्थित अतिथियों को हार्दिक दिल से धन्यवाद। निरंतर अपना प्रयास बढ़ चढ़ के करता है और इस साल भी आप देख सकते हैं चारों तरफ हजारों की तादाद है और 26 जनवरी और खास करके 15 अगस्त को ये भव्य कार्यक्रम होता है, जिसमें जितने भी सैनिक संघ हैं के जितने भी सदस्य हैं वो सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अनेकों वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाता है। सैनिक संघ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनको सम्मानित किया जाता है और इससे बेहतर प्रोग्राम आपको जिला में कहीं नहीं दिखेगा, चाहे वो कहीं भी कोई भी एरिया हो। तो हम तो ये शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनके अध्यक्ष और सचिव को कि वो और निरंतर आगे बढ़ते रहें और हमारा और साबित फाउंडेशन के साथ हमेशा बना रहे। पूरी टीम को अपने साइड से बेस्ट विशेष देता हूँ कि जो भी अपना अब तक बढ़िया काम करते आए हैं इसी को मेंटेन रखें, क्योंकि जब भी कोई रिटायर होकर आता है एंड उसको एक नया पाथ दिखाने के लिए काफ़ी कुछ एक मार्गदर्शन चाहिए होता है। तो आई थिंक जो ये हमारा ये बोर्ड है काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, तो कुडोज टू एवरीवन। थैंक यू सर। और की कोई सेवा नहीं और ये संघ देश की सेवा से जुड़ा हुआ है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। हर एक व्यक्ति को देश सेवा, हर एक व्यक्ति बॉर्डर पे नहीं जा सकता, लेकिन जो बॉर्डर पे गए हैं वो आज हमारे बीच है, उनको सेवा करने का मौका मिला है। जो वीरांगना है उन लोगों को सेवा करने का मौका मिला है, सम्मानित करने का सेवा मिला है और मैं इसका एक पार्ट हूँ, मुझे भी कुछ सेवा करने का मौका मिला है, इसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ और इस संस्था को बताया। जनरल शशांक शेखर मिश्रा साहब हैं, हमारे जनरल षडवीर सिंह साहब हैं, उसके बाद हमारे जो सीडीए का अधिकारी मनोज कुमार सिंह साहब हैं और इसके साथ सबसे बड़ा अगर और योगदान है तो हमारे मेजर पीके पांडे साहब का है, जो हमारे संघ निदेशक भी हैं, जिन्होंने हमें इतना बल दिया है, इसके चलते हम लोग की ताकत काफ़ी बढ़ गई है और हम लोग राज्य ही नहीं बल्कि हम
अलग स्टेट के लोगों का भी मदद कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत ऐसे ऐसे काम किए हैं जो असंभव था, लेकिन असंभव को भी हमने संभव करके दिखाया। यही हमारे सैनिक संघ का काम है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, लेकिन मेरा यह मानना नहीं है कि मेजर पी के पांडे हैं यो पूर्व सैनिक संघ ही नहीं, बक्सर के हर एक समाज के बच्चों को एक छत के नीचे बैठाने का काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ा समाज सेवी कोई बक्सर में नहीं है। हम लोग को समाज में उन चीजों को सीखते हैं जो यह अग्रणी भूमिका निभाते हैं। साबित भैया ने कहा कि बुरा पहले आप जिसको कहने चल रहे हैं, पहले अपनी अच्छाई और बुराई का आकलन करिए, तब किसी दूसरे को बुरा कहना। बहुत भाग्यशाली होता है जिसको रिटायर शब्द उसके साथ जुड़ता है, अन्यथा सैनिकों की पहचान है या तो हम तिरंगे में निपट कर आएंगे या तिरंगा दुश्मनों के छाती पर गाड़ कर आएंगे। आज जो कार्य हम लोग सेना के अंदर किए, आज उससे भी बेहतर कार्य हम लोग रिटायर होने के बाद करने का प्रयास कर रहे हैं और सैनिक संघ बक्सर करता भी आ रहा है। इसका कारण है कि हमारे साथ जितने भी सैन्य अधिकारी जुड़े हैं, मिसाल के तौर पर जनरल सिद्धार्थ मिश्रा साहब, जनरल सतबीर सिंह साहब, ब्रिगेडियर ए के सिंह साहब, पीसीडीए के प्रधान नियंत्रक सामदेव साहब, वेलफेयर अधिकारी माननीय मनोज सिंह साहब और हमारे संघ के निदेशक मेजर पी के पांडे साहब, जिसकी अध्यक्षता में सुधार हरिंद्र तिवारी जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में आज हमारा सैनिक संघ बक्सर भारत के हर कोने में सुर्खियों में छाया हुआ है। मैं अपनी खुशी का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूँ सर, कि मैं कितना खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ सर कि जैसे किसी मरने वाले इंसान को कोई सांस ला के डाल देता है, उसी तरह से जिला सैनिक संघ ने मेरे अंदर एक नया सांस डाल दिया है। मेरे को इतनी खुशी हो रही है सर कि जिसके मैं व्याख्या तो अपने मुंह से तो कम से कम नहीं कर सकता सर। इतना एकत्रित होकर संगठन को मजबूत बनाए रखा है और सैनिक संघ अपने उन सभी सैनिक भाइयों को जो अपने जिला के छोड़कर दूसरे जिला में भी हैं, वो भी इस सैनिक संघ से अपना फायदा उठा सकते हैं। किसी के वेतन संबंधी, किसी का पेंशन संबंधी या किसी भी प्रकार का जो सीबीआई का प्रॉब्लम है और उन लोगों का पेंशन नहीं होता, किसी का अपना डॉक्यूमेंट सही नहीं है, उसके लिए हम लोग रात भर तत्पर होकर हम लोग काम करते हैं। कार्यरत सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है, सबको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं जिन्होंने देश के लिए और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बलिदान दिया है और देश की रक्षा जो है दिन रात सीमा पर करते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि बक्सर जिला का कोई भी सैनिक है वो अपने खासकर पे एंड अलाउंसेस में पीछे ना रहे और उनकी कोई भी अगर पे अलाउंसेस में त्रुटियां हैं वो को सैनिक संघ जिला बक्सर पूरा जोर शोर से निपटान करता है।